हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल यूनिक गार्डनिंग में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गुलाब के पौधे हैं जिनमें अभी कलियां आ रही हैं। देखिए एक ये और ये, इतनी ये फ्रेंड्स थोड़ा धूप में रह गया था, इस कारण से इसके थोड़े प्लांट जल गए। पर ये अभी देखिए, इसमें जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक ये है इधर। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम इस गुलाब के पौधों के बारे में बात करते हैं कि इसे किस तरीके का फर्टिलाइजर देना चाहिए जो इस तरीके से इसमें कलियां आए, ब्रांचेस आए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तरीके की तीन कलियां आ रही हैं और इस एक ब्रांच में एक छोटी सी कली यहाँ बन रही है और तीन कलियां यहाँ हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी तीन कलियां बन रही हैं और एक कली ये है, इसमें छोटी छोटी तीन कलियां और हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुलाब के हर प्लांट में आप देखेंगे कि इतनी ही सारी कलियां आती हैं, जैसे कि ये है और इसमें तो ये नंबर से आ रही हैं कलियां। इसमें पांच या छह कलियां हैं। ये पीला गुलाब है और फ्रेंड्स ये पिंक है, थोड़ा पिंक शेडेड पे है, जो कि अभी पूरी तरीके से खिल चुका है और धूप की वजह से इसका जो पिंक कलर है वो चला गया है, तो कहीं कहीं इसका पिंक शेडेड कलर है। और फ्रेंड्स देखिए, एक ये गुलाब है जिसपे अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही फूल आकर गए हैं, पर फ्रेंड्स देखिए इस पे भी कलियां आ रही हैं। ये देखिए इस पे भी कलियां आ रही हैं, पर ये एक नहीं पांच पांच कलियां हैं। ठीक से आप अगर देखें तो इसमें पांच कलियां हैं। और फ्रेंड्स इधर भी देखिए तो इस पे भी पांच कलियां आ रही हैं और इधर एक कली है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस प्लांट को, मेरे गुलाब के जो प्लांट है उसकी कलियों को गिलहरी खा जाती है, तो ये मेरा नुकसान कर देती है और मैं इसमें खाद वगैरह डालती रहती हूँ और फिर वो जब आती है कलियां तो मेरी गिलहरियां यहाँ पर आकर मेरा नुकसान करके चली जाती हैं। और फ्रेंड्स आप देखिए, ये एक छोटा सा और प्लांट है जिसके ऊपर देखिए कितनी सारी कलियां हैं। तो ये देखिए पांच कली आ रही हैं इसके ऊपर इस वक्त, आप देखेंगे तो ये तो तीन चार और एक ये पांच, तो इसे पांच कलियां हैं और जब ये खिलेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपका इसका रिव्यू जरूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि गुलाब के जो पौधे होते हैं उसमें किस तरीके की खाद देना चाहिए, किस तरीके का फर्टिलाइज़र होना चाहिए, कितने टाइम पर देना चाहिए और इसमें लगने वाली बीमारियों और परेशानियों के जिसके कारण हमारे गुलाबों में फूल नहीं आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा है मेरा रेड शेडेड वाला, इसमें भी फ्रेंड्स देखिए कि तीन, एक ब्रांच पे तीन फ्लावर आए हैं, लेकिन इसे आए हुए काफी टाइम हो गया है तो अब ये सूख गए हैं देखिए, और अब इसे हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको इसकी एक प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ कि गुलाब में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारे जो गुलाब है उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो मैं आज मेरे प्लांट को मैं यूं ही चेक कर रही थी सुबेरे, जब मैं इसमें प्लांट में पानी देने आई तो मैंने देखा कि इसमें मैं प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाकर आप सबको भी बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से गुलाब में फूल नहीं आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो मेरी कलियां आ चुकी हैं और ये थोड़े टाइम बाद खिल भी जाएंगी। और ये देखिए, ये फ्रेंड्स ये एक कली है और ये फ्लावर खिलने वाला है, यहाँ पर भी एक कली आ रही है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन जो ये वाला प्लांट है इसमें बिल्कुल भी कली कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही है। जब फ्रेंड्स इस पे तो कहीं भी कली नहीं आ रही है और ना ही इसमें कुछ नई प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स मैं खाद वगैरह तो जैसे सारे प्लांटों को देती हूँ वैसे ही मैंने इस पौधे को भी दिया, पर जब मैंने सभी गुलाबों में जब मैंने देखा कि सब में कलियां आ रही हैं और सब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं तो इसमें नहीं आ रही, जब मैंने इसे ठीक से देखा तो मुझे इसकी मेन प्रॉब्लम के बारे में पता चला। वैसे तो फ्रेंड जब हम मार्केट से ये जो गुलाब लेकर आते हैं तो वो ग्राफ्टेड रहता है। बहुत से लोगों को फ्रेंड्स ये पता नहीं होगा
कि ग्राफ्टेड का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ब्रांच दिख रही है आपको, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच यहाँ पर इसको जोड़कर एक जो नॉर्मल गुलाब होता है उसके ऊपर जोड़कर इसे यहाँ से ग्राफ्ट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर ये फूल आते हैं। लेकिन इसके जो नीचे की तरफ यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि ये निकल के आ रही है इसके नीचे से, ये जंगली ही रहती है, इसके ऊपर कभी फूल नहीं आते हैं और इसकी वजह से ही आपका गुलाब मर जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो ग्राफ्टिंग की गई है इसके नीचे से, देखिए मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रांचेस है ये ग्राफ्टिंग की हुई है और इसके नीचे से जो ब्रांच निकल रही है ये आपके पौधों को मार देती है, आपके पौधों को बढ़ने नहीं देती है और ना ही इसके ऊपर फिर फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके गुलाब में जो ग्राफ्टिंग की गई है वहीं से ब्रांचेस निकले, उसी पर फूल आएंगे और वो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगी। लेकिन ये जो ब्रांच है, ये जो निकलती है नीचे से, इसे आप तुरंत काट दें, वरना जो आप इसे फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं और जो पानी दे रहे हैं वो सारा यही ब्रांच लेगी और इस पे ना तो फूल आते हैं और ना ही ये आगे आपके प्लांट पे फूल आने देंगी। ये बढ़ जाती हैं और ये आपके गुलाब से, जो आपका गुलाब है उससे दुगनी तेजी से बढ़ती है, तो ये आगे चल के आपके गुलाब को पूरा कवर कर लेती हैं और ये फिर उस पे कब्जा कर पूरा सुखा देती है। तो इस कारण से बहुत से लोगों का गुलाब का पौधा सूख जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है और ये एक पौधे में नहीं फ्रेंड्स, हर गुलाब में यही प्रॉब्लम आती है। अगर किसी को पता है तो वो इस को निकाल कर फेंक देते हैं, वरना तो सब ये सोचते हैं कि हमारा प्लांट बहुत ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्मल प्लांट होता है फ्रेंड्स, तो ये जो नॉर्मल प्लांट है उसके ज़्यादा दुगनी तेजी से ये ग्रोथ करती है। आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन में ये आपके प्लांट से भी ज़्यादा ऊंची निकल जाती है और फिर ये बाद में आपके प्लांट को पूरी तरीके से सुखा देती है और अपनी ग्रोथ ले लेती है। तो आप भी अगर ऐसी तरीके की ब्रांच देखें तो इसे हटा दें। और ये रहा मेरा दूसरा प्लांट, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी यही है ग्रोथ, इसकी जो ग्राफ्टिंग की गई है प्लांट की, देखिए मैं आपको बताती हूँ, वो ये रही, यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की गई है और ये ब्रांच नीचे से आ रही है। तो मैं थोड़ा सा इसकी मिट्टी हटा के इसको यहाँ से देखती हूँ और फिर इसे नीचे से कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट का ध्यान रखिए कि कहीं आपके प्लांट में भी इस तरीके की ब्रांच तो नहीं निकल रही है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा वजह होती है कि आपके जो प्लांट है उसमें इस तरीके की ब्रांच निकलना जो आपके पौधे को पूरी तरीके से मार देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से निकलती हैं, देखिए मैं इसे थोड़ा निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये निकल गई है और अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। इसे ठीक से देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी लंबी स्टेम थी और अगर मैं इसे नहीं ध्यान देती तो ये आगे चलकर ये पूरे प्लांट पे कब्जा करती, पूरी फैल जाती और फिर धीरे धीरे मेरा जो प्लांट है उसका सारा फर्टिलाइज़र वगैरह इसे ही मिलता और ये दूसरे जो मेरी बर्ड्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते आना और फिर धीरे धीरे ये प्लांट सूख के मर जाता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह की कि अगर आपको ब्रांचेस दिखे तो आप ध्यान से देखें और फिर उसे तुरंत ही हटा दें, वरना आपका प्लांट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में कुल टोटल अभी 6 प्लांट हैं गुलाब के और सभी पे बहुत अच्छी कलियां आ रही हैं, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप भी अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं तो इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र दीजिए, टाइम टू टाइम इसे केयर कीजिए। इसे गर्मी का सीजन चालू है फ्रेंड, तो इसे आप दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, पर याद रखिए कि आप गर्मी जब हो ज़्यादा और आप पानी देना भूल जाएं तो आप इसे धूप में पानी ना दें, क्योंकि ये प्लांट आपका मर सकता है। धूप में इसकी जो सॉइल है वो गर्म होती है और आप पानी डालेंगे तो वो पानी भी गर्म ही रहेगा, तो इसलिए आप हो सके तो शाम के वक्त का टाइम चूज़ करें और शाम को पानी दें।
और दिन में जब सबेरे हल्की सी धूप हो तब इसमें पानी दें। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बोन मील पाउडर का मैं यूज़ करती हूँ। आप हर 15 दिन में अपने गुलाब को वर्मी कंपोस्ट की एक जो मुट्ठी होती है वो भरकर इसके चारों तरफ या कोने पर अच्छे से डाल दें। फिर एक चम्मच बोन मील पाउडर, एक चम्मच आप अपना नीम की खली और डालें और उसे अच्छे से इस तरीके से मिट्टी को मिलाकर उसमें पानी डालें। इससे आपके प्लांट में ग्रोथ भी बढ़ेगी और फूल भी काफ़ी अच्छे से आएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।